फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज पैन पिज्जा की रेसिपी। बिल्कुल डोमिनो स्टाइल जैसे हम बाहर खाते हैं, बिल्कुल वैसा पिज्जा आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी आप पिज़्ज़ा घर पे इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस पिज़्ज़ा को बनाना शुरू करते हैं और इस पिज़्ज़ा को आज हम ओवन में बनाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पिज़्ज़ा का डो लगा लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आधा कप हल्का गुनगुना सा पानी ले लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए पानी। और इसमें हम 1.5 छोटी चम्मच यहाँ पर डाल देंगे चीनी। तो मैंने 1.5 छोटी चम्मच इसमें यहाँ पर चीनी डाल दी है। और चीनी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट। तो यहाँ पर मैं ये जो बेस बनाने वाली हूँ पिज़्ज़ा का, वो 2 पिज़्ज़ा के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 छोटी चम्मच एक्टिव ड्राई ईस्ट लिया। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसे हमें रखना होगा 10 मिनट के लिए। तो आप इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख दें और फिर हम इसका यूज़ करेंगे। तो लगभग 10 मिनट के बाद अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो हमारा ईस्ट है बिल्कुल अच्छे से एकदम फूल गया है, इस तरीके का फ्रोथी हो गया। अगर आपका ईस्ट इस तरीके का नहीं होता है तो आप इस रेसिपी को यहाँ पर बिल्कुल भी कंटिन्यू ना करें। तो बस ये हमारा ईस्ट अच्छे से रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर ले लेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 कप मैदा लिया है 2 पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो ये 1.5 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है। मैदे में अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच इसमें डाल रही हूँ नमक। आटे में अगर आप चाहें तो 1/2 छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर या फिर आप मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम आटे में नमक को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे ईस्ट वाला जो मिक्सर है हमारा, इसे डाल देंगे। और इसे हम अब अच्छे से आटे में मिक्स करते हुए एक आटा गूंद लेंगे। और ज़रूरत लगे तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और एकदम सॉफ्ट सा हमें यहाँ पर आटा लगाकर तैयार करना है। तो लगभग मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच और पानी डाल के इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लिया है। आटे को अभी हमें अच्छे से बिल्कुल चिकना करना है। तो हम इसे एक प्लेन सरफेस पे निकाल लेंगे और इस तरीके से बिल्कुल अपने हाथों से इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे और एकदम चिकना कर लेंगे। आटा अगर आप देखें तो हमारा इस तरीके से आटा हमारा कुछ सॉफ्ट होना चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर आपको इस तरीके का तैयार करना है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल या फिर बटर लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच के जितना ऑयल डाल दिया है। अच्छे से हम इसे वापस से 1 मिनट के लिए इस तरीके से चिकना कर लेंगे। और ये बिल्कुल हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में रखेंगे। तो जिस भी बर्तन में आप आटे को रखने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि आटा जो है हमारा वो ड्राई ना हो ऊपर से। आटे को ढकने के लिए मैंने यहाँ पे ये डैम क्लॉथ यानी कि हल्का सा गीला कपड़ा लिया है। अब हम इसे हल्की सी जहाँ पे भी थोड़ी सी गर्म जगह हो या फिर किचन कैबिनेट में, हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो आटे को मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 घंटे के लिए रखा था। और अगर आप देखें तो आटा बिल्कुल हमारा अच्छे से फूल गया है। और आप देख सकते हैं आटा यहाँ पर फूल कर डबल से भी ज़्यादा साइज में हो गया है। तो अब इस तरीके से हम आटे को पंच कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर अब हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इस आटे से हम यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं। तो एक हम पिज़्ज़ा का जो लोई है उसे ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी लोई बना ली है। और थोड़ा सा हम अपने सरफेस पे मैदा छिड़क लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मक्के के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ा सा हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं। तो मैंने अपने हाथ से इसे हल्का सा इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया है। और यहाँ पर अब मैंने ले ली है ये पिज़्ज़ा की प्लेट जिसमें हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। इसे हम बटर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और फिर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा इस तरीके से मैदे से डस्ट कर लें या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा मक्के का आटा भी डस्ट कर सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा का जो बेस हमने तैयार किया इसमें हम रख देंगे और इसे हम अब प्लेट का जो साइज़ है उसके हिसाब से इस तरीके से अपने हाथों से इसे सेट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे स्ट्रेच करते हुए प्लेट के साइज़ में बना लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से इस तरीके से फोक की हेल्प से प्रिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसे बेक करने के लिए रखें तो ये बीच से फूले ना। तो इस तरीके से प्रिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस। तो लगभग 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। तो पिज़्ज़ा सॉस आप घर पर कैसे बनाएं और उसे कैसे स्टोर करें तो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रिसेंटली शेयर की है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं उसे। आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस भी बना सकते हैं। मैंने दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की है, ज़रूर आप वीडियो को देख लीजिए और इस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस आप बना सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से मैंने लगा लिया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज़। तो मोज़रेला चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेजीज ले लिए मैंने। यहाँ पर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और बॉयल किए हुए कॉर्न लिए हैं। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हो या जो यूज़ करना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम इसके ऊपर टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो टॉपिंग आप अपने पसंद से यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी ये बॉईल किए हुए कॉर्न्स डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर
पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैक ऑलिव्स थी तो मैंने वो भी डाल दी है। आप ग्रीन ऑलिव्स या फिर ब्लैक ऑलिव्स जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी टॉपिंग अच्छे से हो गई है पिज़्ज़ा के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, साइड में हम लगा लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से मेल्ट किया हुआ बटर, ताकि जो हमारा क्रस्ट है वो बहुत ही बढ़िया बने। और इस तरीके से बटर लगाने से जो आपका क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो आप बटर ज़रूर से लगाइए इसकी साइड पे। पिज़्ज़ा हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने OTG यानी कि ओवन को मैंने अच्छे से 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। दोनों रॉड ऑन कर दी थी मैंने, यानी ऊपर और नीचे वाली रॉड ऑन करके 230 डिग्री पर मैंने यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से प्रीहीट किया है। प्रीहीटेड ओवन में हम यहाँ पर ये जो हमारी पिज़्ज़ा ट्रे है इसे हम रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर एंड नीचे की रॉड ऑन, साथ ही हम फैन भी ऑन कर देंगे, यानी इसे कन्वेंशन मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही अब हमें इसे 230 डिग्री पर ही हमें इसे बेक करना है, और टाइम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 15 मिनट का। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं, तो मेरा यहाँ पर जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा थिक है, मैंने इसे 15 मिनट के टाइमर पे लगाया है। और 15 मिनट में 230 डिग्री पर हमारा अच्छे से पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। अगर आपने इसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी थिन यानी कि पतला बनाया है तो 10 से 12 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाएगा। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए हमेशा 220 से 230 के टेम्परेचर पर ही आप बेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बेक होता है, उसका जो क्रस्ट होता है काफ़ी अच्छे से बेक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा 15 मिनट में पिज़्ज़ा बेक होकर बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, और इसका जो क्रस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से बन गया है, और साइड से आप देख रहे हैं यहाँ पर इस पर इस तरीके से ब्राउनिंग आ गई है। आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे बेक कर सकते हैं, 25 से 30 मिनट लग जाएंगे उसे बेक करने के लिए। प्री हीट कर लें आप 5 मिनट के लिए कढ़ाई, और फिर आप उसे बेक कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और साथ ही हम थोड़ा सा ओरिगेनो डाल देंगे, और इस तरीके से हम पिज़्ज़ा को कट कर लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। और आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है पिज़्ज़ा हमारा, बहुत ही बढ़िया बना है, चीज़ भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है, और सारी वेजीज भी अच्छे से यहाँ पर क्रंची हो गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा पिज़्ज़ा है उसका जो क्रस्ट है वो कितना अच्छे से बेक हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी जाली, और साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ब्राउनिंग आई है। नीचे से भी आप देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा का बेस है काफ़ी अच्छे से हमारा कुक हुआ है। तो इस तरीके से आप इस पिज़्ज़ा को एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल। आप इस पिज़्ज़ा को एक बार ट्राई कीजिए, और आपको ये रेसिपी अगर आज की हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।